Hello friends, welcome to my YouTube channel Online Study for Computer Science. So, PostgreSQL सीखने की इस सीरीज में हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में. सो पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे एंड एंड और उन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड नॉट ऑपरेटर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. और इसकी ये सेकेंड वीडियो है ऑपरेटर्स की, जिसमें आज हम ऑपरेटर्स को यहाँ पर फिनिश करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स की, जैसे लाइक, नॉट, नॉट इन और बिटवीन ऑपरेटर्स के बारे में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. तो मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल है, ठीक है, जिसका डेटा मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया है. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर की. ठीक है, सो आपको पता है कि ऑपरेटर्स हैं, कंडीशन हैं जो हम वेयर क्लोज में प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर. ठीक है, लाइक एक ऑपरेटर होता है जो क्या क्या करता है कि, जैसे मैं आपको क्वेरी लिखता हूँ तब अच्छे से समझ आ जाएगा. वेयर यहाँ पर आपको कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, फील्ड, वो फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, जैसे वेयर एफ नेम लाइक, और यहाँ पर फिर आपको वो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर लेट से जे और परसेंटाइल. ठीक है, सो ये एक सिंटेक्स है, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं. इसका मतलब होता है जहाँ पर उस रो को सेलेक्ट करना है जहाँ पर एफ नेम है, फर्स्ट नेम है, वो लाइक मतलब कि इसके जैसा है. इसका मतलब एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ भी. तो इसका मतलब है, जैसे मैं जे और परसेंटाइल प्रोवाइड करता हूँ तो इसका मतलब है कि पहला कैरेक्टर है वो जे होना चाहिए और बाद में परसेंटाइल है, मतलब उसके बाद में चाहे कुछ भी हो बट पहला कैरेक्टर है वो जे होना चाहिए. ठीक है, मतलब जे के जैसा होना, जे से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ लेट से जे ए. ठीक है, सो अब ये उस रो को सेलेक्ट करेगा जिसका नेम जे ए के जैसा होगा, मतलब कि स्टार्टिंग में जे और ए आना चाहिए, उसके बाद में परसेंटाइल है, इसका मतलब उसके बाद में कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर सिंपल जे प्रोवाइड करता हूँ. ठीक है, सो मैं कंप्लीट क्वेरी हो गई मेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एफ नेम लाइक जे. ठीक है, और परसेंटाइल लगा, इसका मतलब कि उसको सेलेक्ट करेगा जिसका फर्स्ट नेम है वो जे से स्टार्ट होता है. ठीक है, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जिनका एफ नेम है जो जे से स्टार्ट हो रहा है, बाद में कुछ भी हो बट स्टार्टिंग जे से है, उनको यहाँ पर इसने सेलेक्ट किया. ठीक है, अब मैं लेट से यहाँ पर जे ए प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है, सो वो उन नेम को प्रिंट करेगा जिनका नेम जे ए से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जे ए से सिर्फ एक ही नेम है हमारे पास जिसका एफ नेम जे ए से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो इसी तरीके से आप इसको परसेंटाइल को पहले भी लगा सकते हैं और इसके बाद में कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं. जैसे मैं बाद में एन प्रोवाइड करता हूँ तो इसका मतलब है कि लास्ट में एन होना चाहिए, उसके बाद में, उससे पहले कुछ भी हो. ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं एफ नेम में लास्ट में एन है, उससे पहले कुछ भी हो, जिसके लास्ट में एन है उसको ये यहाँ पर सेलेक्ट कर देगा. ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर आप लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की. ठीक है, सो मैं इसी में यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, पहले मैं आपको यहाँ पर वापस से वो टेबल आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ. ठीक है, हमारे पास ये टेबल है. सो अब हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैं कंडीशंस लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज, सॉरी यहाँ पर नॉट का हम डिस्कस कर चुके हैं, इन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक, सो इन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, वेयर एज इन, और यहाँ पर हम एरे प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ लेट से 90, 21 एंड 22. ठीक है, मैं यहाँ पर एरे प्रोवाइड करना होता है इनके बाद में. सो इसका मतलब होता है कि उन रोज को सेलेक्ट करना है जहां पर एज, वेयर एज इन मतलब कि जो इस एरे में है और जो एज है वो एरे में प्रोवाइड वैल्यू से मैच करती है, उनको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, वेयर एज इन मतलब कि गिविन एरे में वो एज है, वो एज गिविन एरे से मैच करती है, गिवन एरे में किसी भी वैल्यू से मैच करती है, तो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा. तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है 12, 21 एंड 22. ठीक है, सो मैं इस 12 की जगह यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ लेट से 19. ठीक है, सो अब यहाँ पर जो भी एज है वो इन एरे में किसी भी वैल्यू से मैच करेगी, उनको यहाँ पर ये
प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर। जैसे एज हमारे पास है 20, 24, 19 और 22 यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज इस एरियर की वैल्यूज से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जिनकी एज है जो इस एरे में गिवन वैल्यू से मैच करता है उनको यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सेम इनके जैसा ही एक होता है नॉट इन, ठीक है, जो इसका जस्ट रिवर्स होता है। नॉट इन का मतलब होता है कि जो इस गिवन एरे में नहीं है, ठीक है, इनके अलावा जो वैल्यू है उनको प्रिंट कर देगा, इन गिवन वैल्यू से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉट इन, ठीक है। ये नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज नॉट इन ऑपरेटर का यूज भी इनके जैसा ही है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। सो अगर अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जो भी एज है वो इन वैल्यू से मैच नहीं करेगी, इनके अलावा जो भी एज है उनको वो प्रिंट कर देगा, ठीक। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एरे में गिवन एज है उनसे जो मैच नहीं कर रहा है उनको यहाँ पर प्रिंट करेगा, ठीक है। जो मैच कर रहा है उनको यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, तो 20 और 24 एज वाला यहाँ पर प्रिंट किया क्योंकि वो इस गिवन एरे में नहीं है, ठीक है। सो ये हुआ नॉट इन ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बात कर ली लाइक ऑपरेटर, नॉट और नॉट इन, और एक लास्ट ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है बिटवीन एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसमें भी आप बिटवीन एंड मतलब कि इसमें एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, उस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको वहाँ पर सेलेक्ट कर देगा। जैसे मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज बिटवीन, यहाँ पर लेट्स से मैं प्रोवाइड करता हूँ 15 and 20 या 21, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेरी लिखी यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज बिटवीन 15 and 21। सो इसका मतलब क्या है कि वो उन रोज को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा जिनकी एज 20 और 21 के बीच में है, ठीक है, बीच में नहीं यहाँ पर, मतलब कि इन दोनों को भी ये इंक्लूड करता है, ठीक है। 20 और जो एक्सट्रीम वैल्यू है 15 and 21, मतलब कि इनको भी ये इंक्लूड करता है, इनके बीच में इनको मिला के और इनके बीच में जो भी वैल्यूज है उनको यहाँ पर प्रिंट करेगा। सो अब ये यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे इसने वो वैल्यूज प्रिंट किए हैं जो इनके बीच में या फिर इनको मिला के जो भी वैल्यूज है, ठीक है। 15 और 21 एज हमारे केस में नहीं है, इनके बीच में जो जो वैल्यूज है वो यहाँ पर इसने यहाँ पर शो करवा दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर जो ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनको भी ये इंक्लूड करता है, ठीक है, इनको शामिल करके और इनके बीच में जो भी वैल्यूज आती है रेंज में उनको यहाँ पर प्रिंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स की दो वीडियोज बना दी, यहाँ पर ऑपरेटर्स अब हमने डिस्कस कर लिए सारे, ठीक है। इस वीडियो में हमने बात की है लाइक ऑपरेटर के बारे में, नॉट और नॉट इन एंड बिटवीन एंड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता हूँ। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।